गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 एनिमल फ्रेंड्स ऑफ मैन के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर किए थे, उसके बैक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, वो आपको रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे हो मैंने आंसर आंसर ये लिखे हैं, तो क्वेश्चंस के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वट क्वालिटीज़ ऑफ द डॉग मेक इट्स मैंस फेवरेट एनिमल। डॉग्स में वो कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो कि उसे इंसान का फेवरेट जानवर बनाती है, आपका उसका आंसर पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या है, द क्वालिटी ऑफ डॉग्स लाइक फेथफुलनेस, उसकी वफादारी एंड वॉचफुलनेस, कितना वो ख्याल रखता है घर का, मेक इट्स इट्स मैन फेवरेट एनिमल। ये दो क्वालिटी उसे इंसान का फेवरेट जानवर बनाती है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमल सेंट टू द स्पेस इन रशियन क्राफ्ट सुप्तिन। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ लाइका, ठीक है। ये फर्स्ट बिच गई थी जो कि एनिमल सेंड किया गया था रशियन स्पेस के द्वारा, ठीक है, और क्या कहते हैं मतलब कि आउटर स्पेस में। नेक्स्ट है मैजा कॉलम है आपका, ठीक है। यहाँ पे ए कॉलम में थिंक दी हुई है, बी कॉलम में मार्क्स और प्रायोरिटीज़ है कि हम फॉर एग्जांपल अगर आपने गोल्ड लेना है तो आप क्या मार्क्स देते हो। सभी को पता अगर हम गोल्ड लेते हैं तो हम BIS मार्क देखते हैं। BIS मार्क गोल्ड की प्योरिटी को बताता है कि वो कितना ज़्यादा प्योर है। वुल खरीदते हैं तो हमें वुल मार्क देखना चाहिए। इलेक्ट्रिक अपेयरेंस देखते हैं तो हमें ISI का मार्क देखना चाहिए। अगर हम मसाले खरीद रहे हैं पैचेस तो हमें अग मार्क देखना चाहिए। मोस्टली आप देखोगे जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं, मसाले होते हैं, उनके पैक के पीछे ये जरूर मार्क होता है। अगर आपके मसालों के पैक के पीछे अग मार्क नहीं है तो इट मीन्स क्या है, वो जो मसाले हैं या फिर जो ऑयल है वो क्या है, प्योर नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द रीज़न एंड एनिमल्स। आपने ये बताना है मिल्क किससे मिलता है, मिल्क कौन से एनिमल से मिलता है। ये आई थिंक सो आप ये कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ मैंने मिल्क हमें किस एनिमल से मिलता है, काऊ, गोट। अब बफेलो भी लिख सकते हो क्योंकि बफेलो से भी हमें मिल्क मिलता है। हनी हमें हनी बी से मिलता है। वूल हमें शीप से मिलता है, रैबिट से भी मिलता है। इस चैप्टर में आपको पता हो चल जाएगा कि शीप के अलावा जो रैबिट है, गोट है, वो भी हमें वूल देती है। ओनली हमें सिर्फ शीप वूल नहीं देती है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के कीड़े से मिलता है। कैरेज के लिए हम हॉर्स एंड डोंकी का भी यूज़ करते हैं। समटाइम हम बफेलो का भी यूज़ करते हैं, हम बुल का भी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी के लिए हम डॉग को पॉइंट करते हैं, अगर हमने अपने घर को बचाना है तो हम डॉग जरूर पालते हैं। एग के लिए हम हैन पे डिपेंड है, और मीट के लिए मोस्टली लोग गोट एंड हैन पे भी डिपेंड है, कोक के भी डिपेंड है, ये सारे लोग खा लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से देखते हैं क्या है, विच एनिमल कैन बी कैप्ट एट होम एज पेट। इसका आंसर सभी को पता है, मोस्टली लोगों ने डॉग कैट्स भी पाली होती है एज अ पेट एनिमल। राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी वन। आपने किसी पे भी, आपने डॉग पर भी लिख सकते हो, कैट पे भी लिख सकते हो, या फिर आप पैरेट तो बर्ड आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। आप पेट एनिमल में आपके गोट भी आ सकता है, समटाइम हॉर्स भी आपका पेट एनिमल आ सकता है, आप उन पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा हुआ है इसका, वी कैन कीप डॉग्स एंड कैट एज अ पेट, ठीक है। सेंटेंस अबाउट डॉग के बारे में लिखा है, डॉग आर ऑफ मैनी काइंड एंड साइज। डॉग बहुत टाइप के होते हैं और साइज के होते हैं। डॉग आर फेथफुल एंड वॉचफुल, डॉग बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं और ध्यान रखने रखवाले होते हैं। डॉग फीड ऑन मिल्क ब्रेड एंड मीट, डॉग मिल्क पे ब्रेड पे और मीट पे डिपेंडेंट होते हैं। डॉग हैज़ 4 लेग 2 ईयर एंड 2 आई। डॉग के 4 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती हैं, और इट इज़ वेरी क्लेवर एनिमल, ये बहुत ज़्यादा चालाक क्या होता है, जानवर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल्स गिव अस वूल बिसाइड शीप। शीप के अलावा हमें कौन से जो जानवर है हमें ऊन देते हैं। तो सभी को पता है, मोस्टली सभी को शीप का ही पता है, बस चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा। वी गेट वूल फ्रॉम एंगोरा रैबिट से मिलता है, कैमल से मिलता है, एंड कौन, और पाश्मीना गोट से मिलता है।
नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हम यहाँ से देखते हैं, स्नेक चामोस एंड मंदारी डिपेंड अपॉन डैश फॉर देयर लाइवलीहुड, वो किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, किलर्स ऑफ एनिमल्स आर कार, जो एनिमल को मारते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हंटर कहते हैं, अ डॉग कैन स्मेल अप्रोक्सीमेटली 40 feet अंडर द वाट अंडर द अर्थ, ठीक है, वूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश रैबिट इज वेरी सॉफ्ट, अंगोरा रैबिट से जो वूल निकाली जाती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वूल मार्क डिपिक्ट द प्योरिटी ऑफ, किसकी प्योरिटी को डिपिक्ट करता है, वूल को डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, हमने 6 तक कर लिया, आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी तक समझ आ गए होंगे, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे साथ साथ ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग, एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग में क्या रोल है, आपसे ये पूछा गया है, एनिमल क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैमल की बात करें तो कैमल किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करें, और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रेगिस्तानी इलाकों में यूज़ कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट नीड ऑफ एनिमल्स शुड वी टेक केयर ऑफ, एनिमल्स की हमें कौन सी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या है, एनिमल आर आल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस, जो इंसान जो जानवर है वो भी हमारे जैसे क्या है, जीवित प्राणी है, दे आल्सो सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, वो बहुत सारी बीमारियों से सफ़र होते हैं, और हमें उनकी फूड वाटर मेडिसिन की नीड का ध्यान रखना चाहिए, और दे शुड बी प्रोटेक्टेड, और उन्हें बचाना चाहिए किससे, हॉट कोल्ड एंड रेनी सीजन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी, वाई आर द लॉज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जो जानवर है उनकी सुरक्षा के लिए कानून क्यों बने हुए, इफ़ देयर आर नो लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, अगर हमारे यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं होंगे, कोई कानून ही नहीं होंगे इन जानवरों को बचाने के लिए, पीपल विल किल देम फॉर देयर ऑन बेनिफिट, जो लोग हैं अपने बेनिफिट के लिए क्या कर देंगे, उन्हें मार देंगे, सो लॉ आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, इसलिए कानून बनाए गए हैं इन जानवरों के बचाव के लिए, दिस लॉ इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम क्रुएल्टी, ठीक है, क्रूरता से बचाने के लिए ये कानून, जानवरों को क्रूरता से बचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को भी जरूर शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।